गुरूर में संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के विधायक संगीता सिन्हा ने गृह व पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज राव के साथ भानुप्रतापपुर क्षेत्र में जयसाकरा डोकला भिरऊद में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री के पक्ष में प्रचार किया। रैली निकालते हुए लोगों ने समर्थन मांगा। चुनावी सभा में विधायक संगीता सिन्हा ने खासतौर से महिला मतदाताओं को सावित्री बाई का साथ देने की अपील की। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज राव ने कहा कि 4 साल तक हमारे साथी स्वर्गीय मनोज मंडावी ने क्षेत्र का विकास किया। उन्होंने जनता को आगाह किया कि अगर आप भाजपा या किसी भी अन्य पार्टी के प्रत्याशी को वोट देकर जिताते हैं तो जरा सोचिए ये क्या विकास कर पाएंगे, क्या काम लाएंगे, क्योंकि सरकार तो अभी हमारी कांग्रेस की है। अगर आप कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताते हैं तो उसे 5 साल का जो 1 साल बचा हुआ है कार्यकाल, उसमें भी आपकी आपको विकास देखने को मिलेगा। विधायक संगीता सिन्हा ने इस दौरान छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन को लेकर भूपेश सरकार की सराहना की। भानुप्रतापपुर क्षेत्र में पहुंचने से पहले मंत्री ताम्रध्वज राव का आगमन गुरु टेस्ट हाउस में हुआ, जहां पर पूर्व विधायक बयाराम सिन्हा और डॉक्टर ओमकार महमल्ला सहित अन्य लोगों ने मुलाकात की। तो इस चुनाव रैली और सभा में विधायक संगीता सिन्हा के साथ विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर किशोर साहू, गोपाल राठी, बाबलू साहू, सोनू लोहले आदि साथी भी शामिल हुए। दिन जिताऊ तभी भला होनी, काबल की जो कड़ी रथ है ना वो बहुत जरूरी रथ है और वो कड़ी से जुड़े हुए हैं सावित्री मंडावी का। माननीय भूपेश बघेल जी लाभ जानते हो, हमें घोषणा पत्र जब पिछले 4 साल पहले चुनाव में आ रहे हैं तो कर्जा माफी के बात रखे रहे कि जिसने हमारी सरकार बनी आपके कर्जा माफ हो। माननीय भूपेश बघेल जी शपथ ग्रहण करी तो 2 घंटे के अंदर आपकी कर्जा माफ हो। समर्थन मूल्य की भी बात करें आप मन जाना तो 25 रुपये समर्थन मूल्य मिला थे और इस बार तो 2640 रुपये मिल गई आप मन। चाहे कोई भी देहात पिछले बार दिवाली में मिले हैं और ओकर पहली तीजा में मिली से ताकि आप मन तीजा पूरा मना सको और ओकर बाद दिवाली में मिली ताकि आप मन अच्छा से दिवाली मना सको। हम एक चीज महसूस करें हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार एक बार कि हर किसान के जेब में पैसा हावे लगते नहीं भैया मन अभी पता लगत हुई सबके जेब में अब आर्थिक रूप से कमी महसूस नहीं हुआ है। वो पैसा आते है चाहे धान के पैसा हो चाहे गोबर बेच के पैसा हो, गोबर खरीदे भी कार्य चालू हुए आपन सोचे नहीं रहो एक दिन गोबर ला भी खरीदे गई हमार सरकार है गोबर भी खरीदा थे 2 रुपये किलो में और रेट बढ़ाने वाला है 5 रुपये होने वाला है। गौमूत्र खरीदे के कार्य भी चालू करे वैसे हमार बहनी मन ला वर्मिंग कंपोस्ट खाद में भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्य मिला थे बहनी मन घलो आर्थिक रूप से मजबूत बना था। और अभी आप मन छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेले हो नहीं मैं उस दिन पूछा रहे हो और बहुत सारा रस्ता खींच है ये सब हमन भैया मन तो थोड़ा बहुत खेला थे लेकिन हमारे माता बहनी मन सबल बुला गए हैं। हमारे मन के जब शादी होते ना तो एक बंधन में बद बुझाते ससुराल आता तो सब खत्म हो जाते तो जब लड़का मन भी खेले पर कहते तो हमन फुगड़ी नहीं खेल सकते लेकिन अभी एक एक महीना मन फुगड़ी खेले है खेले नहीं आपन देखे हो महिला मन गेड़ी में चढ़ के गेड़ी दौड़ करे गेड़ी दौड़ भी हो है रस्ता खींच भी हो है। तो माननीय भूपेश बघेल जी चाहते कि हमर संस्कृति छत्तीसगढ़ के संस्कृति की उजागर देश विदेश में भी हो और वही प्रयास हम करत हन और हम आप मन से निवेदन करत हन कि अब हमर छत्तीसगढ़ राज्य हमेशा आगे बढ़े के और पूरा क्षेत्र हमर हर राज्य में अपन पहचान बना थे तो यही पहचान लागे बढ़ाए पर आप सावित्री देवी जी का पंजा छाप में वोट देना है और आज हम गृह मंत्री ने सुने पर रहा हूँ तो मैं ज्यादा नहीं बोलूँ काबर की आप मन की वोट दे के जिताए के काम कर चुके चुनाव में बहुत लंबा चौड़ा बात करे के जरूरत नहीं है। लगातार अभी हमारे साथी मन आते हैं आप मन से चर्चा करते अभी भी हमारे वक्ता मन आप मन बोली है चुनाव होते 5 साल 4 साल निकल गए मनोज मंडावी जी के अचानक देहावसान से सी खाली हो गए। बड़े एक ठन बात यह है कि अब 1 साल के लिए कौन ला चुनाव लगाए जाए कौन ला चुनाव जिताए जाए। चुनाव एकर से कि जीतासन हमन की जला चुनाव जिताबो तो हमारे बीच में आवत रहे जात रहे मिलत रहे घमंड अभिमान मत करे सहजता से सब आदमी मन से मिले जुले सबके बात ल सुने गांव के का समस्या है दुख है पीड़ा है ये मन सुने समझे ओला दूर करे एकरे पर हमन चुनाव जीता थन एकर पर चुनाव नहीं जीतान कि चुनाव जीत ले
और बात काम ना करे आवे मत एक बार चुनाव नहीं जीता। मनोज मंडा भी लगातार कई बार हो गए चुनाव जीतना आना हमारे साथ, पहली भी विधानसभा में रहे, अभी भी विधायक के रूप में, विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में हमारे कार्यक्रम के संचालन करे विधानसभा में। बहुत अच्छा साथी, उम्र ऐसे हो नहीं जैसे कि अचानक ऐसे घटना घट जाए, लेकिन ईश्वर के मर्जी जो होना रहते तेन होते। उखर स्थान में उखर धर्मपत्नी लहमन चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी उतारे हैं, अब वो आप सबके बीच है, आप सब जाना तो अच्छी तरह से। एक बात कहना चाहूँ मैं, हम बहुत अकन भाजपा वाले निर्दलीय वाले कई प्रकार के प्रत्याशी खड़े हैं, आप एक चीज़ तय कर लो कि सरकार कांग्रेस के है और भाजपा वाले जीती या निर्दलीय जीती का काम करें। सबसे बड़े मुद्दा के बाद आप मन लो सोचना है, जीत गए तो कोनो में जाके काम तो ला नहीं सके, काबर सरकार है कांग्रेस, कांग्रेस की प्रत्याशी जीता हो तो वो मुख्यमंत्री कर जाके हमर मन कर जाके अपन क्षेत्र भर काम लही और काम लगाओ मन के कर ही, चाहे वो स्कूल के बात हो, कॉलेज के, बिजली के, पानी के, सड़क के, आंगनबाड़ी के, पंचायत भवन के, जेन भी बात सरकार जे कर है तेकरे प्रत्याशी जीता हो तो विकास काम ल संचालित कर। और बड़े बात ये आपके सामने जन संगीता अभी बात करत रही से, हमार सरकार बने 4 साल हो गए, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के